चलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और आज जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल कंटेंट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान आसान सी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दे, जो जो क्लास में प्रेजेंस है जिनके, फटाफट से। आप में से कोई बताएगा आज हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है? कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो क्या पढ़ना है? PPR, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। चलो देखो, आज की क्लास में जो हमारा कंटेंट रहेगा वो सिर्फ ये है कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें की गई, या इंडिया ने कौन कौन से मेजर्स आपके लिए हैं, कौन कौन से प्लान्स फॉर्मुलेट किए, या क्या क्या चीज़ें नई की गई जिससे कि इंडिया में बिजनेस करना आसान हो जाए। ठीक है, देखो क्या आप लिखा है। कल हमने ये लाइन पढ़ी थी ना, सम ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स वाइज रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स ईजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इन द कंट्री, कि इंडिया में कौन कौन से वो मेजर्स या कौन कौन से स्टेप्स या रिफॉर्म्स किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि इंडिया में बिजनेस करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। सिर्फ सुनने वाली बातें हैं, इसमें से जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं। ठीक है, इसके बाद जो आज नया चैप्टर करवाऊंगा, जो दो टॉपिक करवाऊंगा, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं भाई, और उन टॉपिक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके CS बन जाएंगे, उसके बाद भी काम आएंगे लाइफ टाइम, सारी ज़िंदगी। ठीक है, अभी के लिए फटाफट से ये पढ़ते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट अगर करना है, स्टार्टिंग ए बिजनेस, इस चीज़ के लिए बिजनेस को शुरू करना आसान हो, इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, या कौन कौन सी चीजें उन्होंने की हैं, या कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। ठीक है, कहते हैं क्या, सबसे पहले तो द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी हैज बीन एलिमिनेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2015। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे जो बात होगी ना बड़े लेवल की होगी, सारी कंपनी लेवल की, क्योंकि देखो बिजनेस स्टार्ट करना, जब आप कंपनी बनाते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं काफी सारी कैपिटल के साथ, तो ज्यादा दिक्कतें आती हैं। एक सोल प्रोप्राइटर को अगर बिजनेस शुरू करना है तो जनरली उसको कोई ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, आप दुकान रेंट पे लें, अपना फर्नीचर लगाएं, काम शुरू करें। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपको क्लिनिक खोलना है या आपको केमिस्ट की शॉप खोलनी है, अदरवाइज किसी को किराने की शॉप ओपन करनी है, क्या क्या लीगल कंप्लायंस करने पड़ते हैं, कितने लीगल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है बताओ? ज़्यादा कुछ करना पड़ता है क्या, अनटिल एंड अनलेस कोई लीगल रिक्वायरमेंट ना हो एक आधी? आपको टेलर की शॉप खोलनी है, ब्यूटी पार्लर खोलना है, हेयर सैलून खोलना है, क्या करना पड़ता है आपको? ज्यादा से ज्यादा रेंट पे लेंगे तो रेंट एग्रीमेंट करवाना पड़ता है बस। तो यहाँ पे जो बात होगी ना कंपनी लेवल की, और उसमें भी ज्यादातर क्या होगी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज, बाहर से कंपनीज आके इंडिया में बिजनेस शुरू करना चाहती है। ठीक है, किस किस ने अभी तक ये चीज पढ़ी थी कि प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए 1 लाख, पब्लिक को शुरू करने के लिए 5 लाख की रिक्वायरमेंट होती है? बाकियों ने क्या नहीं पढ़ा, क्या 12th नहीं करके आए हो, या कह दो ये भी कट हो गया था? बस बस, वहां पे साथ में एक लाइन दी गई थी कि ये जो अमेंडमेंट आई थी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये वर्ड सुना है ना, मैंने बताया था आपको, किस किस को पता है? क्या बाकी, क्या या तो हाथ में दर्द है तुम सबके, अच्छे से बताया था मैंने। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, बदलाव। ठीक है, जब कानून में कोई बदलाव लाया जाता है, एक्ट में कोई चेंज आता है, तो उसे अमेंडमेंट बोला जाता है। तो वैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, आप सबको पता है। यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, यानी कि उस साल जब कुछ अमेंडमेंट्स आई थी तो वहां पे क्या किया गया, सबसे पहले तो ये जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट थी ना, इसको रिमूव कर दिया गया। यानी कि अगर अब आपको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कितने पैसे देने होंगे, कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है आपका MOA में मेंशन करना। इसके बाद और क्या किया गया, कहते हैं इंट्रोड्यूस्ड अ सिंगल फॉर्म स्पाइस, कल भी पढ़ा था ना, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि SPICE। कहते हैं एक स्पाइस फॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, और इसमें आपकी 5 अलग अलग एप्लीकेशन एक साथ चली जाएंगी। क्या, नेम रिजर्वेशन। आज से काफी समय पहले अगर आपको कंपनी बनानी पड़ती थी तो सबसे पहले आपको ना नेम रिजर्व करवाना पड़ता था, आपको चेक करवाना पड़ता था, फिर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म अलग से भरना पड़ता था, आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग से, पैन अलग से, टैन अलग से। अब एक ही फॉर्म से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी,
सीधी सी बात है, देखो मान के चलो नेम रिजर्व करवाने के लिए क्या क्या देना पड़ता है, नाम देना पड़ता है, मान लो एड्रेस देना पड़ता है, एज बतानी पड़ती है, आधार कार्ड। फिर पूछते हैं पैन बनवाने के लिए, कहते हैं पैन बनवाने के लिए भी नेम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए कहते हैं सेम, नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, फोन नंबर, ईमेल आईडी। तो कहते हैं फिर पांच अलग अलग एप्लीकेशन क्यों लगवा रहे हो आप, एक सिंगल एप्लीकेशन से सारे काम अगर हो रहे हैं तो। एक गवर्नमेंट ने क्या किया इनिशिएटिव कि स्पाइस फॉर्म से हम क्या कर देंगे, आपको ये सारी चीजें इश्यू हो जाएंगी। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, या ये बन सकता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कब रिमूव की गई। जब बहुत डीप में जाएंगे ना तो ये क्वेश्चंस निकल के आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एजाइल फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN लेना आपको। GSTIN का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ESIC लेना है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसके अलावा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये आपको अगर किसी को इन चीजों में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो एक सिंगल फॉर्म क्या फिल कर सकता है, एजाइल, जिससे कि इसको एक साथ क्या हो जाएंगे ये सारी एप्लीकेशन लग जाएंगी। यानी कि आप दो फॉर्म भरेंगे, एक स्पाइस और एक एजाइल, तो आपके ये सारे काम बन जाएंगे। पैन, DIN, पैन नंबर, ठीक है जी, GSTIN नंबर मिल जाएगा आपको, EPF में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, समझ गए। और क्या इनिशिएटिव लिए गए, कहते हैं लॉन्च ऑफ न्यू एंड सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड सर्विस रन। रन का मतलब क्या होता है, ये अब ये समझना है, रिजर्व यूनिक नेम, आप अपनी कंपनी के लिए एक नाम रिजर्व करवाना चाहते हैं। यूनिक का मतलब जो सिर्फ आपके पास है, रिजर्व मतलब आप चाहते हैं ये किसी और को अलॉट ना हो, नेम मतलब जो नाम आप अपनी कंपनी का रखना चाहते हो। तो ये क्या है जी, एक नया और सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड सर्विस लॉन्च कर दी, रिजर्विंग अ नेम। दिस हैज ऑल्सो रिमूव द रिक्वायरमेंट टू यूज अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द नेम रिजर्वेशन। कहते हैं आपको देखो किसी को नेम रिजर्व करवाना होता था ना, तो उसको डिजिटल सिग्नेचर अपने पहले तैयार करवाने पड़ते थे। कहते हैं अब आप इससे क्या कर सकते हैं, वेब बेस्ड सिस्टम बना दिया, नाम रिजर्व करवा सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन फीस रिड्यूस कर दी टू जीरो, कौन सी कंपनीज के लिए, जिनके ऑथराइज कैपिटल 15 लाख होगी। अब याद दिलाता हूँ, मैंने आपको ये बोला था ना कि MOA में रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल बतानी होती है, तो वहां पे आप कितनी भी बता सकते हो। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि 1% क्या करेगा इस तरीके से, तो ऐसे मेंशन कर देगा कि मेरे को इतनी ऑथराइज्ड कैपिटल चाहिए, जब तक जगह फिल नहीं हो जाती लिखता जाएगा 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000, 50,000 करोड़, कहता है जितनी ज्यादा से ज्यादा होती है जीरो लगा देगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसा ना हो इस चीज के लिए, जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल आप बताओगे ना उसका 2% 3% क्या करना पड़ता है, आपको फीस जमा करवानी पड़ती है। सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ गवर्नमेंट ने बोला 2% फीस लगेगी, अगर आपने अब 100 करोड़ मेंशन कर दी तो 2% कितना हो गया, 2 करोड़। ले आओ पहले तो 2 करोड़ लेके आओ। अब आपने सोचा था शेयर इशू करेंगे पब्लिक से 100 करोड़ आ जाएंगे, गवर्नमेंट पहले 2 करोड़ ला, तू इधर आ, 100 करोड़ चाहिए ना, 2 करोड़ दे पहले, खुद के पास तो 2% पैसा नहीं जितना तुम मांगना चाह रहे हो उसका, पब्लिक से तुम्हें 100 करोड़ चाहिए। तो समझे ये क्या होता है, फीस लगती है। अब इस चीज का कंसेप्ट अब समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि इनकॉर्पोरेशन फीस कितनी करती, जीरो, अगर आप अपनी ऑथराइज कैपिटल 15 लाख तक बताएंगे तो जीरो फीस लगेगी। उसके बाद ऐसे होता है कि 25 लाख बताएंगे तो फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए लगेंगे, फिर करते करते एक समय पे आके फिर वो परसेंटेज फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसके अब देखो इसका फायदा क्या मिलेगा, आप बोलो क्या फायदा, भाई फायदा ये मिल गया ना, आज तुम एक कंपनी बनाना चाह रहे हो 10 लाख रुपए, गवर्नमेंट तो आपसे कोई फीस नहीं ले रही ना, आप अपना बिजनेस शुरू करें बस। द रिक्वायरमेंट टू इश्यू अ फिजिकल पैन कार्ड, कहते हैं फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, पैन और टैन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पता है क्या किस किस को पता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, आर यू सीरियस, सिन नहीं पता आपको, तुम रहने दो भाई, क्या तीनों, आप तीनों, अरे CIN नहीं पता, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सिमरन, तो फिर ऐसे कह सकते हो ना मुझे पता है। अरे कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है रजिस्ट्रार देता नहीं है क्या सर्टिफिकेट, अब यस क्यों बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो
पढ़ा नहीं था प्लस वन में। अब किसी ने ये बोला ना चैप्टर कट हो गया था, ये नहीं हुआ था, मेरे को भी पता है। क्या? हाँ कंपनीज एक्ट पहुंच गए क्या वहां तक, इनकॉर्पोरेशन को कंपनीज एक्ट कंप्लीट हो गया, उसमें बताया होगा, तो फिर बता क्यों नहीं रहे आप? ऐसे पेपर पास नहीं होता बेटा, फिर भूल जाना, ये कोई 12th तक के एग्जाम नहीं है आपके, 2 महीने पढ़ोगे पेपर क्लियर कर दोगे ना। ये जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, जो नॉलेज दी जा रही है, ये दिमाग ना चलाना शुरू कर दो, सर्विस करवा लो अपने दिमाग की, सारे काम छोड़ दो, पढ़ाई में ध्यान दे लो। अब मजाक नहीं चलेगा, 2 हफ्ते हो गए, इसीलिए शुरुआत में ये कंटेंट करवाया जाता है आपको। अब जो कंटेंट करवा रहा हूं ना, पता होना, सिन नहीं पता आपको, कमाल की बात कर रहे हो आप। कह रहे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब इशू होगा, उसी के ऊपर आपका पैन नंबर और 10 नंबर मेंशन होगा, इससे आपको फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलिमिनेटेड। क्योंकि पैन कार्ड आने में कई बार 15-20 दिन लग जाते हैं, 25 दिन लग जाते हैं, डिस्पैच होता है, डिलीवर होता है, तो कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया ना, उसके ऊपर मेंशन है, वो इनफ है। ठीक है, और क्या किया गया? ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ ईएसआईसी इज प्रोवाइडेड ऑन श्रम सुविधा पोर्टल। ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविजेंट फंड ऑप्शन होता है, जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनके श्रम सुविधा पोर्टल पे आप रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन अंडर मुंबई शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट आर प्रोवाइडेड इन रियल टाइम विदाउट एनी कॉस्ट एंड एनी इंस्पेक्शन। अगर आप इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा रियल टाइम पे। एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। कहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, तो उस चीज के लिए आपको बैंक अकाउंट कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी, ये तो क्या बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, आगे किस चीज के लिए है? डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया भाई, कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए क्या बोला गया? एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में, मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, इंटीग्रेटेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिपार्टमेंट्स, रिमूविंग रिक्वायरमेंट ऑफ विजिटिंग देम इंडिविजुअली। आप एक जगह जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अलग अलग जगह आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाले जो है, ये आपको बस पढ़ने हैं। यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज बना दिए दिल्ली में, ठीक है, डीम्ड अप्रूवल दे दी गई दिल्ली में, इफ अप्रूवल आर नॉट ग्रांटेड विद इन डिफाइंड टाइमलाइंस। इसका मतलब बताओ कोई पढ़ के मेरे को फटाफट से। आसान सी लाइन लिखी है, इंग्लिश हिंदी करनी है बस, इतना करना पड़ेगा बेटा मेहनत। ठीक है, यहाँ पढ़ा दिया, जाके घर अपने मस्ती मार ली, घूम लिए, चीजें भूल जाओ, अब फोकस ना अपना खुद पे ले आओ। अब आने वाले 3-4 साल बस हम दोस्त, सारी चीजें, सोशल मीडिया, घूमना फिरना, शादियों में जाना, मस्ती मारनी, गेड़िया मार ली बाइक पे, कम कर दो धीरे धीरे। आज की मस्ती आगे सारी जिंदगी मेहनत, आज की मेहनत आगे सारी जिंदगी मस्ती, और ये सच्चाई है। आज से आपके 2-3-4 साल बड़े जो सीनियर्स हैं, उनको देख लो, जिसने मेहनत की है आज कामयाब है, अदरवाइज आपको पता है मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। बताओ इस चीज का क्या मतलब है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्या है डीम्ड अप्रूवल, क्या मतलब है इस चीज का, इन दो शब्दों का? डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, डीम्ड अप्रूवल मतलब अप्रूवल दे दी, मान ली जाएगी, ये काम किया गया दिल्ली में। क्यों? अगर अप्रूवल्स नहीं मिलती हैं डिफाइंड टाइमलाइंस, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए रजिस्ट्रेशन करवाने, ठीक है जी, मैंने बोला 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट दे दूंगा, नहीं दिया तो क्या हुआ, क्या होगा? अगर नॉट ग्रांटेड विद इन टाइमलाइन, तो डीम्ड अप्रूवल मान ली जाएगी कि मैंने अप्रूवल दे दी। इससे क्या होगा, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे लोगों को, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, और काम भी तेजी से करेगा डिपार्टमेंट। ठीक है जी,
रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फास्ट ट्रैकिंग बिल्डिंग प्लान अप्रूवल इंस्पेक्शन एंड ग्रांट ऑफ ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑक्यूपेंसी हुई है नहीं लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जनरली फ्लैट सिस्टम जब जहां होता है तो वहां पे ना ऑक्यूपेंसी देखी जाती है, कितने लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। तो कहते हैं उस चीज के रिगार्डिंग ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी काम पूरा हो। रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग नोटराइज सर्टिफिकेट और एफिडेविट फॉर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हैज बीन रिप्लेस्ड विद ई अंडरटेकिंग इन दिल्ली। ये छोटी छोटी चीजें बताई, कभी रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन फॉर वाटर एंड सीवर कनेक्शन हैव बीन सिंप्लीफाइड। रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन मतलब रोड को तोड़ना और फिर से उसे बनाना, वाटर और सीवर कनेक्शन देके इनको सिंप्लीफाई किया गया है, परमिशन वगैरह लेना। मल्टीपल इंस्पेक्शन एट कंप्लीशन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन। कह रहे बार बार इंस्पेक्शन नहीं आएगी कंप्लीशन चेक करने के लिए, कंप्लीशन स्टेज पे एक सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन आएगी जो चेक करेगी और बता देगी हाँ जी आपकी तरफ से सारी चीजें ओके हैं। कंस्ट्रक्शन परमिट कहाँ पे काम आते हैं? जनरली आप मान लो हॉस्पिटल्स बना रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हो, तो डील करना पड़ेगा ना आपको कंस्ट्रक्शन परमिट से। इसके अलावा ये वाला खुद से पढ़ो एक बार फटाफट से, ये तीनों पॉइंट पढ़े जी। समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है? देखो क्या लिखा है, जब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने की तो कहते हैं प्रोसीजर फॉर इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन बाय द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट हैव बीन एलिमिनेटेड। मतलब क्या हुआ इसका, जब आपके बिल्डिंग्स बनती हैं तो इंस्पेक्शन आती है वायरिंग वगैरह चेक करने के लिए आपने अच्छे से वायरिंग की है या नहीं की, क्योंकि आप अगर अच्छे से वायरिंग नहीं करेंगे तो आपका भी नुकसान होगा और आप पड़ोसी का भी नुकसान करेंगे। तो ये चीजें एलिमिनेट की गई हैं ताकि काम ना रुके। दिल्ली में सर्विस लाइन चार्जेस हैव बीन कैप टू 25,000 इन इलेक्ट्रिफाइड एरियाज फॉर लो टेंशन लोड्स, अप टू इतना लोड है तो आपके फिक्स चार्ज कर दिए गए हैं। टाइम टेकन बाय यूटिलिटी टू कैरी आउट एक्सटर्नल कनेक्शन वर्क कैन बी रिड्यूस्ड इन दिल्ली। आपको मीटर कनेक्शन देने के लिए और जो कनेक्शंस करने के लिए समय लगता है वो कम किया गया है। कहते क्रेडिट की जब बात आती है तो उधारे के लोन वगैरह सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनको पहले पैसे दिए जाएंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, जब बिजनेस वाइंड अप होगा तो मतलब प्रायोरिटी दी जा रही है लेबर और टैक्स। कई बार पता है क्या होता था, जब बिजनेस वाइंड अप होता है ना तो लेबर की सैलरीज दी जाती है। देखो कोई भी बिजनेस वाइंड अप होता है ना, ऐसे नहीं कि आज चल रहा है कल वाइंड अप हो गया। वाइंडिंग अप लिक्विडेशन से पहले वो लॉस में जाता है काफी, और जो लॉस में जाते हैं ना तो वो उधार भी होती है, टैक्स भी रोकते हैं, तनख्वाह भी रोकते हैं। तो कई बार क्या होता था, गवर्नमेंट अपना टैक्स लेके निकल लेती थी, लेबर अपनी सैलरीज वगैरह, और जो उधार में सामान बेचते थे उनका पैसा मरता था। तो कहते भाई हमारी क्या गलती है, हमने एक तो गुडविल के नाम पर विश्वास करके उधार में सामान दिया और हमारे ही पैसे नहीं। तो कह रहे अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो उनकी पेमेंट पहले की जाएगी। टैक्स की बात आती है तो कहते हैं ये आप सबको पता होगा ना, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, वैट सर्विस टैक्स बहुत सारे 17 इनडायरेक्ट और अलग अलग टैक्स होते थे भाई, 17 अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे जिनको मर्ज करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बना दिया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखे हैं, कहते अलग अलग होते थे, सीएसटी होता था, वैट होता था, सिनवेट होता था, सर्विस टैक्स होता था,
इन सबको यूनिफाइड करके क्या कर दिया गया, जीएसटी बना दिया गया। कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम किया गया, कंपनीज को ना 30% टैक्स देना होता था सीधा सीधा, कितना कर दिया 25%। अगर आपका 250 करोड़ तक का टर्नओवर है तो कितना फर्क पड़ेगा, अगर मैं बोलूं एक कंपनी का 200 करोड़ का टर्नओवर है तो 30% के रेट से कितना टैक्स देंगे? हाँ, इतना तो बड़ा होगा, 200 करोड़ का 10% कितना हो गया 20 करोड़, तो 30% कितना, 200 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है ना, सरकार कितने ले जाएगी 60 करोड़। अब कितना कर दिया 25%, यानी कि कितने बच गए, थोड़े हैं क्या भाई इस इनकम के हिसाब से? तो थोड़े हैं, लेकिन फिर भी 10 करोड़ में कंपनी के तो बहुत सारे खर्चे निकलेंगे, सैलरीज वगैरह तो सारी निकल जाएगी मेरे हिसाब से, बहुत मस्त मजे में कितने सारे खर्चे निकलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, इनेबलिंग इजियर रिटर्न पेमेंट, मेकिंग पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हैज बीन मेड मैंडेटरी, इलेक्ट्रॉनिकली काम करना होगा, ये सारी चीजें बताई गई भाई। चार्जेस कम कर दिए गए, इतने से इतने रिड्यूस कर दिए भाई। गवर्नमेंट कह रही है आप काम करें, आप बिजनेस करें ज्यादा। पता क्या होता है, देखो हम लोग ना ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज्यादा लेती है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एक चीज समझो, एक बेसिक से एग्जाम्पल बताता हूँ। गवर्नमेंट कह रही है 100 लोग एक एक रुपया दे दो मुझे, गवर्नमेंट कह रही है 100 रुपये चाहिए, सभी लोग एक एक रुपया दे दो, ये मान के चलो टैक्स है आपका। देने के लिए सिर्फ 10 लोग आगे आ रहे हैं, और गवर्नमेंट तो 100 रुपये लेगी ना, अदरवाइज काम कैसे होगा। अब 10 लोग आ रहे हैं तो गवर्नमेंट कितने लेगी, 10-10 रुपये लेगी, तो कहीं ना कहीं टैक्स रेट रिड्यूस होंगी। अगर टैक्स पेयर सभी लोग टैक्स पे करने लग जाएं तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो, ये चीजें हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो सर टैक्स तो हम देते हैं, बिल्कुल देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी देता हूं, हम लोग मूवी देखने जाते हैं, जीएसटी हम पे करते हैं, नया व्हीकल लेके आओ रोड टैक्स देते हैं, टैक्स बहुत सारे पे करते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ इनकम टैक्स। लेकिन मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जनरली हम बोलते हैं ना इनकम टैक्स के रेट ज्यादा है, कंपनी से इतना टैक्स क्यों ले रहे, भाई करे क्या फिर? अगर सभी लोग टैक्स पे करने लग जाएं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, काम बढ़ेंगे, लोन्स कम होंगे, तो जाके डेवलपमेंट होगी ना धीरे धीरे। लेकिन फिर भी लोग टैक्स पे नहीं करते, यानी आप टैक्स सेविंग्स करो, गवर्नमेंट कहती है जरूरी नहीं आप टैक्स सेविंग्स कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करो। आप पैसा कमा के घर पे रख रहे हो, तिजोरी भर रहे हो, तिजोरी में रख दिए, लॉकर में काम क्या आ रहा है वो, हम आपको डिडक्शन देंगे टैक्स के। गवर्नमेंट बोलती है जितना कमाया खर्चे निकालो, इनकम दिखाओ, आप करो, बेसिक डिडक्शन दे देती है गवर्नमेंट सैलरी वालों को और बहुत सारी चीजें। लेकिन जो पैसा आप रख रहे हो ना उसको इन्वेस्ट करो, हम ये मानेंगे वो पैसा आपका खर्च हो गया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स बनाई है, ठीक है। आपको एक चीज मैं समझा दूं, आप जो ये कोर्स कर रहे हो ना, देखो अभी भी कई बच्चों के माइंड में क्या है कि हम ना 12th कर रहे हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं, नो डाउट आप पढ़ रहे हो, एक तो इस चीज को पढ़ाई मत लेके चलो, अब आप समझो कि आप ये आपका काम है। देखो मैं पढ़ाने आ रहा हूँ ये मेरा काम है, आप फादर आपके फादर जॉब पे जा रहे हैं उनका काम है, बिजनेस है वो बिजनेस, कोई फार्मर है वो काम कर रहे हैं अपना, ये आपका काम है, बस आपको मेहनत क्या करनी है, आपको पढ़ना है, और बदले में आपको सैलरी की जगह क्या मिल रही है, नॉलेज मिल रही है जो आगे आपको पैसा कमाने में हेल्प करेगी। एक चीज मैं बता दूं, ये एक आपका माइंड डेवलप किया जा रहा है कि देखो इतनी चीजें होती हैं, ये कंपनी होती है, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स, आपको जो चीजें पढ़ाई जाएंगे ना एग्जीक्यूटिव में, टैक्स पढ़ाया जाएगा, इनकम टैक्स कैसे, इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी क्या होता है, प्रैक्टिकल आप देखोगे सारे, जो रेंट लेते हैं वो भी टैक्सेबल होता है, सैलरी लेते हैं टैक्सेबल होता है, बिजनेस में कमा रहे हो टैक्सेबल होता है, घर खरीद के बेच दिया उस पर भी टैक्स लगता है, पता है आपको, वो भी इनकम होती है, शेयर खरीद के बेच दिए इनकम है, लॉटरी में पैसा निकला है, सट्टेबाजी में पैसा कमा लिया, मर्डर करके पैसा कमा लिया, सारी चीजें, हॉर्स राइडिंग गैम्बलिंग में पैसा कमा लिया, और बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। एक टैक्स सब्जेक्ट आएगा, कंपनी लो आएगा, कंपनी लो में पढ़ाया जाएगा ये कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, 1 पर्सन कंपनी कैसे बनेगी, प्राइवेट कंपनी कैसे बनेगी, पब्लिक कंपनी कैसे बनेगी, इसमें जनरल मीटिंग कैसे होंगे, बोर्ड मीटिंग कैसे होंगे, शेयर्स कैसे इशू होंगे, डिबेंचर कैसे होंगे, लोन कैसे, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है,
यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। देखो एक बड़ा प्लेयर भी, बड़ा प्लेयर आप उसको कब बोलते हो, जब वो कंसिस्टेंट रन बनाता है, 10 में से 7 या 8 मैच में स्कोर करता है वो। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, प्लेयर तो बहुत बढ़िया लेकिन कभी कभी चलता है। तो कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी सीसीट लेवल पे आपके पास जुलाई में अगर हमें पेपर देने हैं तो यू शुड स्टडी फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। आपको घर जाके कम से कम 2.5 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है। जो पढ़ाया गया वो समझो। अब आपको अराउंड 15-16 डेज हो गए क्लासेस लगाते हुए, तो जो स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू किया था उसके रिविजन शुरू करो। बहुत बड़े लेवल, आप कोई भी अपने आप को ये मत समझना कि हम बस पढ़ रहे हैं, इस इन कोर्सेज से ऊपर पढ़ाई नहीं होगी आपकी। कॉमर्स फील्ड में देखो, टैक्स और अकाउंट्स आता है, उसके लिए सीए बनाया, वो पढ़ रहे हैं आपके फ्रेंड्स होंगे उनमें कुछ। कॉर्पोरेट लॉ की बात आएगी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। जो एडवोकेट सुना है ना आपने, वकील होता है वो सिविल और क्रिमिनल लॉ के लिए होता है। आप लोग कॉर्पोरेट लॉ के लिए तैयार होंगे, नो डाउट आपको भी क्रिमिनल लॉ पढ़ाया जाएगा, आईपीसी पढ़ाया जाएगा आपको, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है, स्टाम्प एक्ट क्या होता है, ये जो रजिस्ट्री करवाते हैं ना, रजिस्ट्री करवानी है, रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है, सुना होगा, मकान खरीदे बेचते हैं इतनी तो स्टाम्प ड्यूटी लग गई। अरे कौन, इंडियन स्टाम्प एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना जो, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपने पढ़ना शुरू किया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप अभी तक आपको नहीं पता था ना भैया, उसने वो उसको मोबाइल पे, आप कॉन्ट्रैक्ट की तो कर रहे हैं। इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है, एग्जीक्यूटिव में आएगा, सामान बेचना है तो, बहुत सारे एक्ट और सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। आप कभी एक तो अपने दिमाग में ये मत सोच लेना हाई इतनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये समझाया जा रहा है आपको और ये चीजें ना याद हो जाती हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं, आज मैं आपको बोलूं 11th का अकाउंट्स का या बिजनेस का एग्जाम देना है, कितने दिन में पढ़ के दे दोगे? ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, ये भी हो सकता है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। मुश्किल है क्या 11th का बिजनेस? किस किस को मुश्किल लगता है? आज आपको मैं बोलूं 5th क्लास की बुक पढ़ के एग्जाम देना है। जब हम कोई चीज करना शुरू करते हैं ना तब वो मुश्किल लगती है, जब हम करके आ जाते हैं उसको तब वो। और ऐसा नहीं है, देखो नो डाउट अब आपका माइंड डेवलप हो चुका है तो आपको वो चीज़ें आसान लगेंगी, आपने एक बार पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आपको पहले से करनी पड़ेगी। बिफोर एग्जाम आप रिविजन वगैरह करके खुद को तैयार कर लो कि पेपर आएगा तो मेरे को पता है मैं कर लूंगा, ठीक है। और ये नॉलेज है यहाँ पे जो दी जा रही है नॉलेज, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे ज़्यादा, जो आते हैं वो रिसेंट आते हैं चीज़ें। और क्या सिंप्लीफिकेशन की गई है भाई, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इसका क्या मतलब होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो कह रहे हैं अगर ट्रेडिंग करनी है तो टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज बीन रिड्यूस्ड थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स। टाइम भी कम किया गया, कॉस्ट भी, हमने कल ये देखा था ना, दोबारा बता देता हूँ, एक टेबल देखी थी जिसमें बताया गया था, ये रही, तो बताया था ना कैसे टाइम कम हुआ और कैसे कॉस्ट भी कम हुई है। दिल्ली की अगर बात करें, यहां से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना कितना और यहां से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना कितना कम समय और कितनी कम कॉस्ट होगी, यही चीज बताई गई है, ठीक है। वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ताकि ईज ऑफ बिजनेस हो, काम करना आसान हो। क्या लिखा गया है पढ़ लो भाई, टाइम एंड कॉस्ट तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिड्यूस की गई है अलग अलग इनिशिएटिव से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग ऑफ कंटेनर्स, इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग्स मतलब बार कोड वगैरह लगाए जाएंगे ताकि वो सीधा स्कैन हो जाए एक बारी में, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा किया गया है ताकि ज़्यादा सामान एक बारी में स्टोर हो सके, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स की। एनहेंसमेंट ऑफ रिस्क वेट इंस्पेक्शन फॉर बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वेयर बाई ओनली अबाउट 5% ऑफ गुड्स आर फिजिकली इंस्पेक्टेड, कहते हैं 5% के आसपास इंस्पेक्शन होता है, बाकी सारी रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन भाई इलेक्ट्रॉनिक कर दी है हमने चीज़ें, या तो स्कैन भाई कंटेनर स्कैन हो जाएगा सीधा, ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की गई है। एडवांस बिल ऑफ एंट्री हैज बीन अडॉप्टेड व्हिच अलाउज इंपोर्टर टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कस्टम्स क्लियरेंस बिफोर द अराइवल ऑफ द वेसल। पहले क्या होता था, 3-4 महीने में आपकी शिप वहां से यहाँ पहुंच रही है जहां से आपने सामान मंगवाया है। आपको पता है ट्रेवलिंग में लगभग 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6-6 महीने लग जाते हैं सामान आने में, फिर वो आता था, फिर वो पोर्ट पे खड़ी रहती थी 15-20 दिन शिप, क्योंकि क्लियरेंस करवानी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट जाएगा, फिर इंस्पेक्शन होगी। कहते हैं अब इलेक्ट्रॉनिकली कर दी ना तो आप पहले से सारी चीज़ें क्या है, आपके जहाज आए मान लो 20 दिन में आ रही है,
उससे पहले क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। सिर्फ उस सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा, क्रॉस चेक, और आपको इजाजत दे दी जाएगी कि आप सामान ले जाएं। इक्विपमेंट ऑन द नवा सेवा पोर्ट इन मुंबई हैज बीन अपग्रेडेड बाय एडिंग 15 न्यू रबर टायर गेंट्री क्रेन्स। ठीक है, 15 नई क्रेन्स ऐड की गई है ताकि सामान लोड अनलोड किया जा सके। फोर्थ, कंटेनर टर्मिनल एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एनुअल कैपेसिटी कितनी है, इतने स्टोर किया जा सकता है, इतने टन यूनिट। ठीक है जी, द न्यू कंटेनर टर्मिनल अडानी सीएमए मुद्र टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड हैज बिन फुल्ली ऑपरेशनल। इसको ऑपरेशनल किया गया, जिसके पास इतना सामान स्टोर करने की क्षमता होगी। ठीक है, ई संचित बनाया गया है, सिंगल विंडो इंटरफेस है ट्रेड करने के लिए, ट्रेडर्स सबमिट कर सकते हैं सारी डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट अगर करने हैं आपको, उसमें आसानी आए, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड हैज बीन इंट्रोड्यूस व्हिच मेक्स इट पॉसिबल टू जनरेट केस मेजरमेंट रिपोर्ट ऑन लोकल कोर्ट्स। जनरली जब कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी एनफोर्स नहीं करती, यहाँ तक तो आपने भी नहीं पहुंचे होंगे ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिस कर दिया कि मैं ये काम करूंगा, कंसिडरेशन का प्रोमिस हो गया, फुलफिल ना करे पार्टी, तो आप कोर्ट में जाएंगे, तो कह रहे उस चीज को आप ट्रैक कर सकते हैं। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 हैज बीन अमेंडेड टू रिड्यूस द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन चेंज की गई है, और क्या है जी, 1 करोड़ से 3 लाख करती, कमर्शियल कोर्ट्स बनाई जाएंगे, नई स्पीडियर डिस्पोजल होगा। देखो केस बहुत ज्यादा है, कोर्ट कम है, तो कोर्ट का नंबर बढ़ा दो। तो कह रहे हैं ये चीजें इंप्रूव की जा रही हैं। इंसॉल्वेंसी, कोई बताएगा इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या? मेरे पास एक भी रुपया नहीं है ना, मैं किसी को देना एक भी रुपया, क्या मैं इंसॉल्वेंट हूं? नहीं, जब मेरे पास पैसे ना हो और लोग मेरे से पैसे मांग रहे हो तो मैं इंसॉल्वेंट हूं। व्हेन समवन इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, जब कोई अपना कर्जा ना चुका पाए तब उसको कंगाल बोला जाता है। तो कई कंपनीज होती हैं जो खस्ता हालात में होती जाती हैं, दिख रहा है कि ये इंसॉल्वेंट होगी, इसके एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, उस चीज के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया है। ताकि देखो क्या होता है, एक कंपनी है 3-4 महीने बाद दिख रहा है कुछ भी पैसा नहीं बचेगा इसके पास, जिस जो जितने मांग रहे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये सिचुएशन आने से पहले क्या किया जाता है, उसको कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करवा के जिसके जितने डेट है 30-30, 40-40% पे करवा दिए जाते हैं कि बाद में सारा पैसा मरेगा, इससे बेटर क्या है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, 30-40% ले लो। तो इस चीज के लिए ना एक्ट बनाया गया है जिसमें बताया गया क्या प्रोसीजर रहेगा डेटर्स के लिए, फैसिलिटेटेड कंटिन्यूस ऑफ डेटर बिजनेस ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, किस तरीके से इंसॉल्वेंसी को कोपअप किया जाए, कैसे सारी चीजें सोल्व की जाएंगी। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए हैं रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को हैंडल करने के लिए। प्रोसीडिंग्स मतलब जो केस वगैरह फाइल हुए हैं, रिकंस्ट्रक्शन मतलब जरूरी थोड़ी है कंपनी को बंद करना है, रिकंस्ट्रक्शन कोशिश की जाती है कि वो फिर से चल पड़े। टाइम बाउंड रिजोल्यूशन प्रोसेस की जाएगी आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड आईबीसी का मतलब ये है भाई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, लिक्विडेशन उसका लास्ट सॉल्यूशन निकलता है। अमेंड किया गया, ए क्रेडिट हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग क्लेम्स अगेंस्ट द डेटर ब्रॉट बाय द क्रेडिटर इटसेल्फ एंड बाय एनी अदर क्रेडिटर। कह रहे हैं पहले ये नहीं था, अमेंडमेंट की गई है कि मान लो लिक्विडेटर कौन होता है बताएगा कोई? अच्छा, लिक्विडेशन क्या होता है ये बताओ, पैसे बंद होना, लिक्विडेशन में होता है, लिक्विडेशन मतलब कंपनी के सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा। तो लिक्विडेटर कौन हुआ, जो ये काम करवाता है, कोर्ट अपॉइंट कर देता है कि इस बिजनेस का लिक्विडेशन करवाओ। तो लिक्विडेटर हो सकता है ना कुछ गलत कर रहा हो, किसी क्रेडिटर के ज्यादा पैसे दे रहा हो, किसी के कुछ पैसे ना दे रहा हो, तो कह रहे क्रेडिटर को राइट दिया गया कि वो ऑब्जेक्ट कर सकता है डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर, भाई आपने उसका क्लेम तो एक्सेप्ट कर लिया, मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया क्यों? ठीक है, इसके बाद क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। कहते जिस तरीके से हमने नेशनल लेवल पे पढ़े ना, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने भी मेजर्स लिए हैं, और ये आसान आसान सी बातें हैं जो हमने पढ़ा था उसी चीजों से रिलेटेड है कि डिपार्टमेंट ने स्प्रेड हेड है डायनेमिक रिफॉर्म एक्सरसाइज जो 2014 में शुरू की गई थी कि हम रैंक देंगे कि कौन कितने रिफॉर्म्स ले रहा है,
और इससे क्या होता है, जब किसी स्टेट को पहला रैंक मिलता है तो बाकी स्टेट भी और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं खुद को। ठीक है, कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस क्लाइमेट बनाया जाएगा, अभी लोग भी पैसा दें और ये सारी चीजें। ठीक है, ये आप ज़्यादा नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप खुद से भी पढ़ लें, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें सिर्फ जनरली एक क्वेश्चन ये बन सकता है, मैं बता देता हूँ, जो एक क्वेश्चन इसमें बनता है रुक जाओ, अभी मत पलटो जाए पेज। आप लिख लो भाई, यहाँ दिख नहीं रहा मेरे को, कहीं था तो इसके फुल फॉर्म लिख लो, DPIIT की। कोई बताना चाहेगा? ये अलग अलग जगह दिया गया है, ठीक है, बताएगा क्या? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन पढ़ा था हमने कल वैसे, ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आपसे पूछ लिया जाता है सवाल जनरली कि फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPIIIT। लिख लिया क्या? बाकी तो ये पॉइंट दिए गए, इनकी रीडिंग ले लेना। अच्छा, अब भी आप सबको क्या करना है, वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका कल पहला दिन था, अभी ना आप बुक्स हैं आपके पास? चलो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारे इस चैप्टर का नाम है, ये ना मैंने करवा दिया था, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, कल मैंने आपको समझाया था ना बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एक बार फटाफट से रीडिंग लेंगे दोबारा से 5 मिनट में। ठीक है, आप लोग भी समझना इस चीज़ को, सभी बच्चे। मेन यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि किस चीज़ को कौन से एनवायरनमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट उन सारी फोर्सेस का कह लो, या वो सारे फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि आपके बिजनेस पे जो चीजें प्रभाव डालती हैं उसे बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। और मेन फीचर्स क्या थे बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये दोबारा बता देता हूँ सारे। सबसे पहला फीचर क्या था, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी एक्सटर्नल फोर्सेज आती हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल लाइक कि आपकी कंपनी की पॉलिसीज, आपकी कंपनी के रूल्स, आपकी कंपनी का बजट, आपकी कंपनी का कोई मेथड काम करने का, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, आपकी कंट्री का टेक्नोलॉजी क्या चीज़ें हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, लीगल फैक्टर कौन से हैं, ये कंट्रोल में नहीं होते। कैसे नहीं होते, आज कानून कोई बात बोलता है कि ये काम नहीं करना, तो क्या बिजनेस उससे ऊपर होकर काम कर सकता है क्या? गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई, आप उसे मना कर सकते हो क्या मानने से? तो कहते हैं ये कंट्रोल में नहीं होती। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है वो सारी फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस या फैक्टर्स जो कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कहते हैं स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या है, जो सिर्फ आपको अफेक्ट करते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है।
आज अगर मैं बात करूं हुंडई और होंडा के कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे, जो अदर कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो कहते हैं ये स्पेसिफिक है जिनके बारे में आपको पता है, और नॉन ह्यूमन या जनरल फोर्सेस क्या होती हैं जो सबको अफेक्ट करेंगे। आपका कस्टमर उधार नहीं देता है, आपको फर्क पड़ा। आपका कॉम्पिटिटर कोई पॉलिसी लेके आया, आपको फर्क पड़ा। कहते हैं इसी तरीके से कुछ चीजें बड़े लेवल की होती हैं जो सभी बिजनेस को, जैसे कि सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, करती ये सबको हैं और इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करती हैं। फिर होता है इंटर रिलेशन। कहते हैं जितने भी फैक्टर हैं ना इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूथ अगर शिफ्ट होता है कोल्ड ड्रिंक की छोड़ करके जूस वगैरह, तो कहते हैं डिमांड क्या होगी कोल्ड ड्रिंक की, तो कम होगी, और जो जूस वगैरह है उनकी बढ़ेगी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे फास्ट फूड की डिमांड बढ़ी है यूथ के बीच में वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से। अनसर्टेन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अनसर्टेन का मतलब क्या है, डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा। आज आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या आने वाले 3 महीने बाद क्या होगा, क्या कंडीशन सिचुएशंस रहेंगी, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आएगी, क्या टेक्नोलॉजी आएगी मार्केट में, तो कहते हैं ये अनसर्टेन होता है। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल, एवर चेंजिंग इसको हम बोलते हैं, जो बदलता रहता है। कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल होता है और बदलता रहता है। ये स्टैटिक मतलब एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जरूरत क्या होती है बदलते वातावरण को लगातार स्कैन करने की और ये देखने की कि इसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। ये कुछ फीचर्स होते हैं आपके। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, इसको स्टडी करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। अगर मैं बोलूँ कोई चेंज आ रहा है सोसाइटी में, कोई चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में, लीगल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक, इन सब को पढ़ के पांचों का अल्टीमेट क्या बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। फाइंड आउट तो करते हैं, सभी कंपनीज करती हैं, तभी तो सर्वाइव कर रही है ना, कह रहे, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है ये जज करना कि कितना प्रभाव आपके बिजनेस पे पड़ेगा। और रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव, किसी पे कुछ फर्क पड़ता है, किसी पे कुछ फर्क। अभी एग्जाम्पल दिया ना, अगर कोल्ड ड्रिंक की यूथ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड गिर रही है, उस कंपनी के लिए खराब है ये चीज, लेकिन जो जूस मेकर्स हैं, जूस बनाती हैं जो कंपनीज, हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनके लिए फायदेमंद है। ठीक है, समझ में आ गए? ये चैप्टर भी आपका पूरा हो गया, ज्यादा कुछ इसमें कंटेंट था नहीं, मेन थोड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट वाला, और जो टॉपिक्स है वो थोड़े से ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या क्या चीजें आती हैं, इंडिया का रैंक कौन सा जो मैंने आपको कल बताया था 63, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आगे अभी हाईलाइट भी करेंगे जब रिवाइज करेंगे सारी चीजों को। बुक्स एक बार सभी बच्चों को इशू हो जाए उसके बाद हम चीजों को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर और होगा आपका जिसमें दो आसान आसान से और मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुश्किल चीजें नहीं आएंगी और अब पढ़ने वाली और समझने वाली चीजें आएंगी। अभी के लिए इतना डिस्कशन करेंगे, 10 मिनट बाद दोबारा क्लास होगी। ठीक है, तब तक के लिए पानी वानी पियाओ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो।